नमस्ते भारत, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे चिक्स वर्ल्ड। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रोजन योगर्ट बार की। बहुत इजी है बनाना, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले। फ्रोजन योगर्ट बार बनाने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए एक पका हुआ आम, यहाँ पे हम मैंगो को अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद मैंगो का एक स्लाइस यहाँ पे हम कट करेंगे। उसके बाद एक स्लाइस कट करने के बाद हमें यहाँ पे मैंगो का छोटा छोटा पीसेस कट करके एक बाउल में हमें निकाल लेना है। यहाँ देखिए अब हमारे मैंगो अच्छे से कट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लेना है, जो हमने मैंगो कट करके रखा था वो सारे मैंगो हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इस मैंगो को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंगो का एक फाइन पेस्ट बन चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही फाइन पेस्ट चाहिए। अब हमें एक बाउल में 2 टेबलस्पून भर करके योगर्ट लेना है। यहाँ पे हम बड़े टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम योगर्ट लेंगे। अब यहाँ पे जिस स्पून से हमने योगर्ट डाला था ना, उसी स्पून से यहाँ पर हम मैंगो का प्यूरी 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे योगर्ट के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अब हमारा मैंगो योगर्ट रेडी है। अब दोबारा से हमें क्या करना है, 2 छोटे टेबलस्पून से यहाँ पे हम योगर्ट एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, रूह अफ़ज़ा 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम योगर्ट के अंदर डाल देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब हमारा रूह अफ़ज़ा योगर्ट भी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बटर अच्छे से ग्रीस कर देंगे, या तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने मैंगो योगर्ट बनाया था वो हम बटर पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और उसको अच्छे से फैलाएँगे। यहाँ पर आप कोई भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर मैंने राउंड शेप दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने रूह अफ़ज़ा का योगर्ट बनाया था ना, वो मैंगो योगर्ट के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके डालेंगे और इसको अच्छे से फैलाएंगे। रूह अफ़ज़ा योगर्ट को फैलाने के लिए यहाँ पे हम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप फॉक का भी इस्तेमाल करके आप कोई भी शेप दे सकते हो। अब लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, बादाम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको कम से कम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे अब हमारा फ्रोज़न योगर्ट बार जो है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे। योगर्ट बार को कट करने के लिए यहाँ पे आप नाइफ़ का इस्तेमाल करें, जिससे एक प्रॉपर शेप बन सके। आपको मेरा ये योगर्ट बार रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको बना करके ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।